समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद ब्राह्मणों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में मौजूद ब्राह्मण पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत आज श्रावस्ती जिले से हो चुकी है। श्रावस्ती में मीडिया प्रभारी के पद पर तैनात अमन पांडे के द्वारा समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताते हुए इस्तीफा दे दिया गया। ब्राह्मण नेता अमन पांडे के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्हीं के संरक्षण में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया गया है। जिस पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान न हो, उस पार्टी में हम नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ब्राह्मण विरोधी पार्टी हैं। दोनों पार्टियों का काम है ब्राह्मणों का विरोध करना। देखिए, मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा भेजा है। इसमें जो है, मैं पिछले साल 31/8/2021 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की थी। तब ये संघर्षवादी पार्टी थी। समाजवाद का मतलब होता है सभी संप्रदाय और जात धर्म वर्ग विशेष को लेकर चलना। इनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरित मानस पर और ब्राह्मणों पर जो अभद्र टिप्पणी लगातार किया, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके दो दिन के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। उनके समर्थन में ब्राह्मण नेताओं ने उनके खिलाफ में बोला कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये गलत कर रहे हैं, जिसमें रोली तिवारी मिश्रा जी और ऋचा सिंह जी, इन सभी नेताओं ने रामचरित मानस सम्मान यात्रा निकालने की बात कही थी। उनको कल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इससे साफ दर्शाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आगामी चुनाव में ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है और वो जात पात की राजनीति में नकारे साबित होंगे, जिससे 2024 में समाजवादी पार्टी एकदम ध्वस्त हो जाएगी। इसी रीजन से हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता त्याग दिया है और अब आगामी जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा हम उस पार्टी में जाएंगे। उन्होंने हम ब्राह्मण समाज का जो है सबको अपमानित किया है, यहां तक कि गाली गलौज पर उतर आए। महंत राजूदास के साथ उन्होंने मारपीट भी की। इसका संज्ञान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना चाहिए था। उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। यहाँ भाजपा का भी संरक्षण उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को प्राप्त है। FIR होते हुए भी संगीन धाराओं में FIR दर्ज है और गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उनको सुरक्षा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी का दोनों का साठगांठ है कि आप लोग आपसी मतभेद करिए, झगड़ा कराइए, उसका फायदा हम चुनाव में उठाएंगे। सपा और भाजपा मिलकर दोनों काम करें, बिल्कुल कर रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है, अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी की जाती, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अन्य लोगों को गिरफ्तारी, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उसकी भी करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जिसके नेता ही ब्राह्मण विरोध करते हो और उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, उनका सह लिया जाता हो, तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी घोषित होने वाली है। जी, सब लोग आहत है उससे और उसका अर्थ वो नहीं जान पा रहे हैं। जो कह रहे हैं ढोल गवार शुद्ध पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा, और उसकी उल्टा भाषा वो सब लोगों को समझा रहे हैं, ये गलत है, वो उनका अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या आपकी कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते, जो हमारे समर्थक कहेंगे, जहां ब्राह्मणों का सम्मान होगा हम उस पार्टी में आएंगे। अच्छा, ऐसा विकास लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरफ जो बीजेपी पार्टी है समाजवादी से, आप देखिए कानपुर की घटना, कानपुर की घटना भी विभत्स हुई है, उसमें भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है कहीं ना कहीं, और देखा है हमने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी उसके परिवार से बात करते हैं, कहते हैं सरकार लड़ाई लड़ेगी, तो सरकार ही सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रही है तो क्या खेला है, इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। तो आपके हिसाब से सपा और भाजपा दोनों ब्राह्मण विरोधी पार्टी है और ब्राह्मणों से हाथ जोड़ करके अपील है कि इनको ब्राह्मण छोड़ देना चाहिए था, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या जी? बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा हम उसके साथ जाएंगे।